सक्सेस होने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। मेरा सिंपल सा सपना है, मुझे और बड़ा बनना है और मुझे उस शिखर पे जाना है जो मैंने सोचा है। बड़े भैया चाहते थे हमेशा कि खुद का प्रोटेक्ट खुद को करना चाहिए और खुद इतने काबिल हो जाओ कि किसी भी मोड़ पे भले कोई भी कंडीशन आए तो उसमें तुम खुद को सर्वाइव कर सको, खुद को आगे बढ़ा सको। मेरे जीवन में जो आदर्श है वो मेरे बड़े भाई हैं, मैं आज कुछ हूँ तो उन्हीं की बदौलत है। इंसानियत किसी को हेल्प करना वो नहीं है, इंसानियत का मतलब ही यही कि अगर कोई इंसान दूसरे इंसान से मिलता है तो उसकी ग्रोथ होनी चाहिए। मेरे सामने जितने भी लोग आ रहे हैं भले कोई भी चीज़ें लेके, उनको मैं मना ना कर पाऊँ, उनको मैं ना ना बोल पाऊँ, उनको मैं किसी भी चीज़ में यस बोल पाऊँ, बस यही सपना है। बहुत सारी चीज़ें होती है ज़िंदगी में, हर कोई बंदा सक्सेसफुल होने के बाद बहुत सारे लोग उनको फॉलो करते हैं, मैं भी बहुत सारे लोगों को फॉलो करता हूँ जो अपने ज़िंदगी में आगे बढ़े हैं, अगला मुकाम जिन लोगों ने लिया हुआ है या आगे की चीज़ें देखी है। लेकिन मैं एक चीज़ समझता हूँ कि जब तक हम स्टूडेंट रहेंगे तब तक सीखते रहेंगे, टीचर बनेंगे तो सीख नहीं पाएंगे। तो आज के डेट में मैं स्टूडेंट ही हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ आगे जाके आगे बढ़ने की। अगर ये मेरी कोशिश पिछले 8-10-15 साल की जो भी कोशिश है इससे अगर कुछ थोड़ा बहुत भी सक्सेस मिला है तो मैं समझता हूँ कि ये कोशिश करते रहने चाहिए। पिछले 8-9-10 साल से अलग अलग चीज़ों के ऊपर बहुत सारा काम किया है। मेरे लिए मेरे जीवन में जो आदर्श है वो मेरे बड़े भाई हैं जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, जिन्होंने मेरी उंगली पकड़ के मुझे चलना सिखाया है, जिन्होंने मुझे दुनिया में कैसे रहना चाहिए, लोगों से कैसे डील करनी चाहिए, कैसे सोचना चाहिए, नई नई चीज़ों के बारे में अपडेट कैसे होना चाहिए, ये सारी चीज़ें उन्होंने मुझे सिखाई है। मैं भी एक नॉर्मल परिवार से हूँ, मैं जिस परिवार से हूँ उस परिवार में हम देवी देवता को मानने वाले लोग हैं। मेरे जो पिताजी हैं वो संत के रूप में उन्होंने अपना पूरा जीवन भर योगदान दिया है। आज भी अगर हमारी फैमिली की ओर देखेंगे तो उसी दर्जा से उसी रूप से लोग देखते हैं। तो उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें सिखाई, उन्होंने भी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हमें बताई हैं। एक ही गोल रहा है ज़िंदगी में कि हम समाज में आए हैं, अगर समाज में कुछ काम कर रहे हैं और हमें समाज में सक्सेस मिला है तो हमें अपने समाज को उतना ही रिटर्न देने की चीज़ें जो है वो उनसे हमें मिली है। मेरी माता जी जो आज हमारे जो कुलदेवत है श्री हमलाल महाराज, ये जो हमारा तीर्थक्षेत्र है, तीर्थक्षेत्र की पीठाधीश्वर है, उनको भी संत के दर्जा से देखा जाता है और उनकी पूजा भी लोग उसी हिसाब से करते हैं। तो उनका बेटा होने के नाते ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें मैंने करनी चाहिए, कर रहा हूँ, खुशी से चल रही है। अगर मेरा स्वभाव का अगर आप देखेंगे तो मेरा स्वभाव हमेशा से ऐसा रहा है कि मैं जितने मैक्सिमम मेरे से जुड़े हुए लोगों की मदद कर सकूं उतना मैं करता रहूं, जिससे उनकी ज़िंदगी सवरे, वो ज़िंदगी में आगे बढ़े, आगे बढ़ के ज़िंदगी में कुछ चीज़ें करें जिससे मुझे खुशी हो और खुशी हो के फिर वो भी खुश हो जाए और ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें होती रहें। मेरा जो स्कूलिंग है वो स्कूलिंग जो मैंने स्टार्ट किया था, तो मैं मराठी मीडियम से पढ़ा हूँ। मेरा जन्म 17 में हुआ था, हमारे इंग्लिश स्कूल है वहाँ पे मैंने मेरी पढ़ाई ख़त्म की, 10वीं तक मैं वहाँ पे ही था। 10वीं तक अगर स्कूलिंग लाइफ किए जाए तो मैं थोड़ा सा अपने लाइफ में थोड़ा सा 10वीं तक शांत था, बहुत ही शांत था, यानी कि सिर्फ बुक लेके दिन भर पढ़ते रहना, यही मेरी ज़िंदगी की कहानी थी। अगर मैं भी अभी कभी कभी देखता हूँ तो मेरे फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक जो भी मैं मार्कशीट देखता हूँ तो मुझे खुशी होती है कि मैं भी 96-98-99% का स्टूडेंट रहा हूँ। स्कूल की लाइफ अगर देखता हूँ या याद करता हूँ तो मुझे आज भी हर एक बुक में कौन से पेज पे कौन सी लाइन लिखी होगी ये पता है। शायद हमारे घर का माहौल या जिस तरह से हमने पढ़ाई के ऊपर उस टाइम पर ध्यान दिया, मे बी उसी के कारण आज दुनिया में हम आगे बढ़ रहे हैं, दुनिया में हम आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। 10वीं के बाद मैंने इंजीनियरिंग की, मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियर उसके बाद हुआ।
देन फिर मैं मुझे क्रिकेट का बहुत शौक था, तो मैं सतारा डिस्ट्रिक्ट की ओर से क्रिकेट खेला हूँ। शाहू स्टेडियम मुझे आज भी याद है। महाराष्ट्र के लिए क्रिकेट खेलने वाला था, लेकिन एज वो थी कि मैंने शादी कर ली फिर क्रिकेट की ओर से ध्यान मेरा थोड़ा सा हट गया। लेकिन उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग के बाद मैंने फिर से 11th 12th 12th की मैंने एग्ज़ाम दी, उसमें मैं पास हुआ। उसके बाद मैंने आर्ट्स में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। आर्ट्स में ग्रेजुएशन कंप्लीट करते करते मैं धीरे धीरे बिजनेस में आ गया था। बड़े भैया के साथ मैं काम करता था, तो मेरा कॉलेज प्लस काम ये दोनों चीज़ें तभी से शुरू हो गई थी। उसके बाद मैंने लॉ किया, LLB कंप्लीट की। LLB के बाद मैं LLM मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने डिप्लोमा कोर्सेज किया जो लेबर लॉ एंड साइबर लॉ में, उस तरह से मेरी पढ़ाई चली। उसके बाद मैंने PhD के लिए भी लॉ में एडमिशन ले लिया। उसका क्लियर अभी तक नहीं हो पाया क्योंकि मुझे समय ही नहीं मिला, वो मैं शायद वापस उस चीज़ के ऊपर नहीं गया पाया। तो इस तरह से स्कूलिंग लाइफ, कॉलेज लाइफ, इस तरह से जब चीज़ें सीख रहा था तब ये सारी चीज़ें चल रही थी। सतारा एक ऐसा शहर है जिस शहर में मैं पैदा हुआ हूँ और वहीं से बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने को मिली है। मेरा भी एक ग्रुप रहा करता था जब हम स्कूल के डे में थे, तो हमारे हमारा जो माहौल था हमारे घर के आजू बाजू में या घर में, मैं बंजारा कम्युनिटी से हूँ, तो हमारे कम्युनिटी में ज़्यादातर लोग पढ़ाई की ओर है नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी मजदूरी करते हुए दिखेंगे, आज भी लोग रोड पे कुछ काम करते दिखेंगे, आज भी लोग बहुत सारे लोग गन्ने की खेती पे जाते हुए दिखेंगे। तो इस कम्युनिटी से, इस बेस से मैं था, तो वहाँ पे एजुकेशन का इतना माहौल था नहीं, पहले से नहीं था। लेकिन मेरे मम्मी पापा, मेरे बड़े भैया हमेशा चाहते थे कि तुम स्कूल करो, अच्छा सीखो, अच्छा पढ़ो, आगे जाओ, आगे बढ़ो। तो जितने भी मेरे अदर भाई हैं, मेरे चाचा के लड़के हैं उनके, तो एक ही माहौल था घर में कि जैसे ही स्कूल से आए, बुक लिया, बुक लेके पढ़ाई शुरू की। शाम के टाइम पे 9-10 बजे तक हमारा सब माहौल चलता था करता। जॉइंट फैमिली पहले से ही हम बिलीव करते आए, आज भी हम जॉइंट फैमिली में ही हैं। तो इस समय में जितने भी मेरे दूसरे भाई हैं, तो पूरा उनका फोकस ही एजुकेशन था। तो हमारे पूरे, हम मेरे चाचा के लड़के या हमारे आजू बाजू के गाँव वाले पूरे टोटली UPSC MPSC के ही स्टूडेंट रहे हैं। बहुत सारे उसमें सक्सेस भी हुए, बहुत सारे उसमें गवर्नमेंट जॉब में भी चले गए, बहुत सारे लोगों ने अपना कुछ करियर भी किया। उसमें से मैं थोड़ा सा अलग था, मुझे जॉब का पहले से मुझमें कीड़ा था ही नहीं। बहुत सारे हमारे जो वो ग्रुप था, वो ग्रुप में हम बहुत सारे लोग एग्ज़ाम के लिए या पुलिस भर्ती के लिए या गवर्नमेंट के अलग अलग जॉब की अपॉर्चुनिटी के लिए कोशिश करते दिखते थे। बॉम्बे में पुलिस भर्ती थी, तो मैं भी, मेरी भी कोशिश थी कि चलो उनके साथ मैं भी निकल गया। लेकिन मैं जैसे ही बॉम्बे में पुलिस भर्ती के लिए आया, वानखेड़े स्टेडियम के बाजू में ग्राउंड था, वहाँ पे भर्ती चल रही थी, सिलेक्शन हो गया था मेरा। सिलेक्शन होने के बाद फिर मुझे लगा कि यार मैं पुलिस हो जाऊँगा तो करूँगा क्या, ये तो गड़बड़ हो गई, अब तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्योंकि ग्राउंड मैंने क्लियर कर लिया, फिटनेस पहले से थी, क्योंकि क्रिकेट में सुबह जल्दी उठ जाता था और क्रिकेट खेलता था, तो बहुत जोश था तब। तो मेरा सिलेक्शन, लगभग सिलेक्शन तय हो गया था और एक ही एग्ज़ाम पास करनी थी और मुझे 100% था कि मैं उसमें क्लियर हो जाऊंगा। फिर मेरे दिमाग में ऐसा है कि मैं, अगर मैं पुलिस बन गया तो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा, मे बी पुलिस भी सक्सेस है लाइफ में, लेकिन मैं मेरी स्टोरी बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे जॉब नहीं करनी थी। तो मैं वहाँ से उठा, मेरी बैग उठाई, मेरे सारे भाई वगैरह था, वो बोले कहाँ जा रहा है, अपना तो सिलेक्शन हो जाए। उनको बोला भाई ये मेरे लिए है नहीं मुझे यहाँ से निकलने दो। फिर मैं वहाँ से निकला, वहाँ से निकल के मैं वानखेड़े स्टेडियम गया जहाँ पे क्रिकेट की मैच चल रही थी तो सारे मेरे दोस्त पुलिस भर्ती के लिए ग्राउंड पे और मैं मैच देखने के लिए। घर से फ़ोन आया कि क्या हुआ, मतलब मैच जीत गई इंडिया बहुत सारे ऐसे किस्से हैं। मेरा मानना यह है कि कोशिशें करते रहनी चाहिए, जितनी भी चीज़ें आप कर सको, जितनी भी चीज़ें आप लोगों को दे सको, समझ सको, वो करनी चाहिए। मैं पिछले 12 साल के मेरे बिजनेस के करियर में मैंने एक चीज़ सीखी है कि हमें मार्केट की नीड पकड़नी आनी चाहिए,
अगर वो नीड आप पकड़ोगे, आप लोगों को समझोगे, आप लोगों की ज़रूरतों को समझोगे, तो आप कुछ अच्छा ज़रूर कर पाओगे। इसलिए मैंने बहुत सारी चीज़ों में कोशिशें की है लाइफ में। अब कितना सक्सेस हूँ वो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे मेरी कोशिश ख़त्म नहीं करनी है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि अगर कोई शिखर पे पहुँचता है तो सबको दिखता है, लेकिन शिखर में पहुँचने से पहले उसको बहुत सारे घाट सेक्शन में से भी जाना है। उसमें बहुत सारे दरी आएंगे, उसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगे, हर्डल्स आएंगे, स्पीड ब्रेकर्स आएंगे। जो इसको लेके चला गया, वो शिखर पे पहुंच गया, तो एक दिन दुनिया को ज़रूर दिखेगा। अगर मैं ज़िंदगी में कुछ थोड़ा भी आज सक्सेस हुआ हूँ, तो शायद यही चीज़ें हैं, यही चीज़ों ने मुझे ऊपर लाया है। और मैं कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं ये सारी चीज़ें करता रहूँ बिज़नेस में। खास करके मैंने हर एक इंडस्ट्री मैंने ट्राई की है, क्योंकि मेरा मानना ऐसा था कि मैं 30 दिन अगर महीना अगर 30 दिन का है, तो उसमें से मैं सिर्फ 3 दिन की छुट्टी लूँ, और हर एक दिन में मैं एक चीज़ों के ऊपर सोचता रहूँ। इसलिए मैंने अलग अलग 27 प्रोडक्ट के ऊपर लाइफ में काम किया, 27 अलग अलग कंपनी के ऊपर मैंने काम किया, 27 अलग अलग थॉट प्रोसेस पे मैंने काम किया। कुछ सक्सेस है, कुछ सक्सेस नहीं है, कुछ पीछे है, कुछ आगे है, कुछ नॉर्मल स्टेज पे चल रही है, लेकिन मेरा कहना यह है कि मैं इसके ऊपर चलता रहूँ। इंसानियत किसी को हेल्प करना वो नहीं है। मैं मानता हूँ कि अगर किसी को हेल्प करेंगे तो इंसानियत तो होगी ही, इंसानियत का वो रूल भी है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर आपको इंसानियत निभानी है, तो आपके साथ जितने भी लोग जुड़े, जितने भी लोग आपके साथ, आपके परिवार के हो, आपके दोस्त फ्रेंड सर्कल में से हो, आप में से हो, जितने भी लोग आपके साथ जुड़े, उनके हाथों को आपको काम लगाना चाहिए, जिससे वो अपनी ज़िंदगी में काम करके आगे बढ़े, उनकी भी ग्रोथ करे, उनके फैमिली की भी ग्रोथ करे, और उनसे जुड़े हुए लोगों की भी ग्रोथ करें। क्योंकि जब तक उसके हाथों को आप काम नहीं लगाएंगे, उसकी लाइफ में ग्रोथ होनी नहीं है। और इंसानियत का मतलब ही यही कि अगर कोई इंसान दूसरे इंसान से मिलता है तो उसकी ग्रोथ होनी चाहिए। तो मेरे लिए इंसानियत यही है। दोस्त जिंदगी का वो गहना है जो जिसने कमाया उसी ने कमाया। यानी कि आप अगर आपके लाइफ में अगर दोस्त है तो आपकी लाइफ कंप्लीट है। अगर दोस्ती नहीं है तो फिर आपके लाइफ में कोई वैल्यू नहीं है। यानी दोस्ती का जो मतलब है वो तो भगवान श्री कृष्ण और सुदामा ने भी सुनाया था, कि जब सुदामा खुद इतने गरीब थे कि वो कृष्णा के घर उनको मिलने गए, तो श्री कृष्ण अपने महल से भाग के आए थे कि अरे मेरा दोस्त आया, और जैसे ही वापस गए तो सुदामा की भी नगरी सोने की हो गई थी। ये तो दोस्ती के बहुत सारे किस्से हमने सुने हों। तो मेरे लिए दोस्ती बहुत मायने रखती है। बड़े भाई जो है मेरे, किशन राव राठौड़ जो है, उन्होंने मैं ऐसे समझता हूँ कि वो समंदर है। यानी वो हर टाइप का समंदर है। यानी अगर बुद्धि की भी बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट, तो उसका भी वो समंदर है। और मैं चाहता था कि मैं जितना उसमें से ले सकूँ उतना मैं ज़िंदगी में उनसे लूँ। तो मेरी कोशिश यही रही पहले से कि मैं उनके साथ मैक्सिमम समय बिताऊँ, उनके साथ बैठूँ, उनके साथ बातें करूँ, उनसे सीखूँ वो कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे चीज़ों को समझते हैं, कैसे सोचते हैं। तो मेरी ज़िंदगी में वो सबसे बड़ा मेरे लाइफ का रोल समझा है कि ये समंदर है, और समंदर में से अपने को जितना निकालना है उतना अपने को निकालना है। उन्होंने ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये रखी कि वो अपने मम्मी पापा को, यानी हमारे मम्मी पापा को बहुत मानते हैं। यानी भगवान के मंदिर में अगर किसी की फ़ोटो है या किसी को अगर किसी ने रखा है तो वो मम्मी पापा को है। गुरु पूर्णिमा के दिन हम अपने गुरु के चरण छूते हैं, या गुरु पूर्णिमा या जो भी कुछ त्यौहार होता है तो हम अपने गुरु के पास जाते हैं। तो मेरे बड़े भैया ऐसे हैं कि उनके लिए माँ बाप ही सब कुछ है, और माँ बाप ही उनके लिए उनके गुरु हैं। आज भी हम जब घर जाते हैं करते, तो कभी कभी बिजनेस के कारण रात के 2-3-4 बज जाते हैं, लेकिन वो कभी भी ऐसा नहीं सोचते कि मैं घर गया हूँ और मेरी मम्मी खा के सो गई होगी। ऐसे सोचते भी नहीं है। वो जाएंगे, पहले उठाएंगे, खाना खिलाएंगे, बिठाएंगे, फिर मेरे सामने खा, और फिर आगे की ज़िंदगी शुरू करेंगे। यानी कि माँ बाप को इतना लाइफ में वो फॉलो करते आए हैं। तो मैं ये सारी चीज़ें उनसे सीखता आया हूँ।
और हर एक टर्म में वो बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। एक संत के बेटे होने के कारण समाज को कैसे हैंडल करना है, बिजनेस को कैसे हैंडल करना है, गरीबों की मदद कैसे करनी है, बेटियों की रक्षा कैसे करनी है, जो भी जिसको भी जिसकी चीज़ की ज़रूरत है वो उसमें सबसे पहले कैसे जाना है, बहुत सारी चीज़ें उनसे मैंने इन दिनों में सीखी है। क्योंकि उनका एक कहना था कि अगर हम किसी को अपना दोस्त, अपना भाई, अपना यार समझते हैं तो उसके खुशी के दिन में जाओ न जाओ इसके ऊपर सोचो, लेकिन जब भी उसके घर में दुख हो या कुछ हो जाए तो सबसे पहले उसके सामने अपन खड़े हो जाने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें उनसे बहुत कुछ सीखी है। लाइफ में सक्सेस होने के लिए आपको काम करना पड़ेगा, काम करेंगे तो बिजनेस आपको करना पड़ेगा। लेकिन जब अपन कोई बिजनेस खड़ा करते हैं या काम करते हैं और उसके ऊपर आपने आपका समय, आपका पैसा सब कुछ दिया है, जब आँखों के सामने वो कहीं गिरता है तो वो सबसे बड़ा हर्डल्स या सबसे बड़ी दुखी बात हो सकती है। वैसे ही हमारे लाइफ में दो चीज़ें हुई थी जिसमें बहुत सारा दुख हमें उसमें हुआ था। हमारी सोलापुर में एक डेयरी थी जिसमें वो मुरा जाति के जो भैंसे हैं ना, जो 10 से 12 लीटर का दूध, सबसे ज़्यादा फैट उसमें आता है, तो लगभग हमारे पास 350 के ऊपर थे। तो उनका दूध डेली हमें निकलता, तो वो बहुत बड़ा हमारा एक बिज़नेस का ज़रिया था और बहुत अच्छे से चल रहा था। लेकिन सोलापुर में बारिश न होने के कारण, और सोलापुर में उनके लिए फूड जो वैसे खाती है उनके लिए प्रॉपर उस टाइम पे न होने के कारण हमें वो बंद करना पड़ा। तब हमने अपनी आँखों के सामने इतने सारे जानवरों का हाल देखा, इतनी सारी चीज़ें देखी। लॉस तो ठीक है, चलो पैसों का लॉस आज न कल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जिस जानवर के ऊपर आप डिपेंड हो और उसको आप खाना नहीं खिला पा रहे हो, तो ये बहुत बड़ा दुख था हमारे लाइफ में, एक मोमेंटम था जिसने बहुत सारी ज़िंदगी चेंज हुई या बहुत सारी चीज़ें हमने उसमें से सीखी। दूसरा हमारा एक था कि हमने पुणे में एक बहुत बड़ा वर्कशॉप ओपन किया था जिसमें लगभग 20 एकर के ऊपर की जगह पे हमने एक बहुत बड़ा वर्कशॉप ये किया था। थोड़े से बारिश होने के कारण, जिसे आप हिंदी में उसे क्या बोलते हैं पता नहीं, लेकिन मराठी में ढग फूटी समथिंग, बादल फट गया, तो उसमें बहुत ज़ोरों से बारिश हो गई थी और उस बारिश में 15-20 कारें बह गई और एक छोटी बच्ची और उसकी मम्मी उसमें बह के उनकी डेथ हो गई थी। तो उस सारे चक्कर में हमारा वो बिज़नेस भी वहाँ पर रुका, हमारा शोरूम जो था इतना बड़ा वो उसमें रुक गया। तो इस चीज़ का एक दुख है कि अपने जगह पे, अपनी अपने एरिया में कोई एक छोटी बच्ची जो जिसकी एज भी 2 साल थी, वो वहाँ पे उसकी डेथ हुई। तो ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा दुख देती है। जब तक हम अपने बच्चों को सही दिशा में लेके नहीं जाएंगे या सही दिशा नहीं दिखाएंगे, तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आज तक का एक ही ट्रेंड है कि जो भी पेरेंट्स हैं बच्चों के हाथ में बुक दे देते हैं, स्कूल भेज देते हैं, पढ़ाते हैं, वो तो ज़रूरी है, एजुकेशन तो सबसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन वही तरीका नहीं है या उसी तरह से आप बच्चों को नहीं ले जा सकते। आप फिर वो पढ़े लिखे मजदूर उनको बना रहे हो। अब जब तक उनको प्रैक्टिकल लाइफ में क्या चीज़ें हैं, जो भी अपग्रेड लाइफ जनरेशन चेंज होती है ये, या वर्ल्ड जिसे फॉलो कर रहा है, क्योंकि ये वर्ल्ड तो इसको कंपटीशन का वर्ल्ड ही कहते हैं ना, जब तक आप उनको अपने हिसाब से नहीं, वर्ल्ड के हिसाब से नहीं डेवलप करोगे, तब तक वो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे या ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मैंने मेरे बच्चों के लिए भी वही तरीका सही समझा। एजुकेशन के ऊपर तो फोकस है ही 100%, उसके अलावा तो कुछ चीज़ें होगी नहीं, लेकिन मैंने वो प्रायोरिटी नहीं रखी। मैंने बच्चों को मैक्सिमम प्रैक्टिकल जितना बनाना चाहिए उतना बनाया। जो मेरा बड़ा बेटा है आज वो क्रिकेट खेलता है, अभी वो कांगा लीग खेल के आया, अभी उसका अंडर 16 के लिए ट्रायल चल रहा है, कल जाके वो क्रिकेट में सक्सेस होगा तो इंडिया के लिए भी खेल लेगा और टैलेंट है तो ज़रूर खेलेगा। मेरा जो छोटा बेटा है उसके जो एक्टिविटी है, उसके जो उसमें जो क्वालिटी है वो एक स्टार की है, तो मैं कल का सुपरस्टार उसमें देख रहा हूँ। तो मैंने उसको भी पूरी फिल्म इंडस्ट्री के साथ जोड़ दिया, उसको उसका एक्टिंग, उसका डांस, उसकी चीज़ें। तो बच्चों को अभी से, जितनी छोटी एज में मैंने अभी से उनके लाइफ में उनको क्या करना चाहिए इसके ऊपर मैंने लगा दिया, कि कल मैं 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन करवा के, कोई डिग्री करवा के फिर कॉम्पिटिशन के लिए उतारूँ,
उससे बेटर है कि मैं आज से उनको बनाऊँ। ग्रेजुएशन तो वैसे होगा ही, वैसे डी एजुकेशन उनका कंप्लेंट करेंगी ही, लेकिन उनको अगर आज पता चल गया कि मुझे क्या करना है तो कल जाके कंपटीशन में उतर के वो डीमोटिवेट नहीं होंगे और मे बी मोटिवेट होके वो आगे बढ़ जाएंगे। दूसरी चीज़ कि बच्चों के लिए जैसा एजुकेशन इम्पोर्टेंट है, जैसे प्रैक्टिकल लाइफ इम्पोर्टेंट है, वैसे हेल्थ भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर स्पोर्ट्स एक्टिविटी आप बच्चों के साथ नहीं जुड़ोगे तो उसकी हेल्थ भी प्रॉपर नहीं रह पाएगी, उसका टाइम भी प्रॉपर नहीं रह पाएगा। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें सोच के उनके हेल्थ के वाइज वर्ल्ड वाइड उनको जो नॉलेज आना चाहिए वो, प्लस उनका जिसमें इंटरेस्ट है वो चीज़ें मैंने पहले से उनको दे दी और वो उसमें बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। मैं जब छोटा था तो मेरा नाम तो पंडित राठौड़ है, आजकल एडवोकेट पंडित राठौड़ हो गया, लेकिन घर में मेरे मुझे हम पांच भाई है तो मुझे पांडव कहते थे, कोई मुझे पंडू करके भी प्यार से बुलाता है। मैं जब स्कूल में था तो मुझे अजय नाम बहुत अच्छा लगता था, तो मेरे जितने भी पुराने दोस्त हैं जो फिफ्थ सिक्स स्टैंडर्ड से लेके कॉलेज तक, वो मुझे अजय के नाम से जानते हैं। और बाकी कॉरपोरेट में आया तो कोई मुझे PDR के शॉर्ट फॉर्म में बुलाता है, कोई मुझे PR करके बुलाता है, कोई मुझे PD सर के बुलाता है, कोई पंडित सर करके बुलाता है, जो मेरे दोस्त यार हैं तो मुझे वो भाऊ करके बुलाते हैं। तो पंडित से, पंडू से लेके #PR से लेके #PR से लेके भाऊ तक की ये जर्नी है अलग अलग नामों की। बिजनेस एक ही जरिया है जिसमें जिसके थ्रू आप आपकी लाइफ ग्रोथ कर सकते हो, आप आपके साथ जुड़े हुए लोगों की भी लाइफ ग्रोथ कर सकते हो। आज इंडिया में अगर मैं तो बहुत सारे वर्ल्ड वाइड टूर करता रहता हूँ, तो अब आज जब भी देखता हूँ, अगर अपने देश की बात करें तो जब तक किसी देश का बिजनेस नहीं बढ़ेगा तब तक वो देश का इकोनॉमी नहीं बढ़ेगा, और जब तक इकोनॉमी नहीं बढ़ेगा तब तक आपके देश का इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, डेवलपमेंट वाइज कुछ चीज़ें नहीं बनेगी। तो बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिजनेस की ग्रोथ जितनी आप करोगे, बिजनेस को जितना एक्सपांड आप करोगे, बिजनेस में अलग अलग चीज़ें जितनी आप ट्रायल करोगे, उतना आपके आपके परिवार की, आपके दोस्तों की, आपसे जुड़े हुए लोगों की, आपके डिस्ट्रिक्ट की, आपके स्टेट की, आपके कंट्री की उसमें डेवलपमेंट या ये सारी चीज़ें उसके थ्रू हो सकती है। तो बिजनेस के लिए तो मैं तो ऐसे समझता हूँ कि बिजनेस को मैक्सिमम एक्सपांड करना चाहिए, बिजनेस में अलग अलग चीज़ें लेना चाहिए। जैसे कि आज अगर हम अपने देश की बात करें तो बहुत सारे कॉरपोरेट्स हैं, लेकिन हम जिसे सुनते आए हैं तो रिलायंस भी बड़ा कॉरपोरेट है, टाटा भी बड़ा कॉरपोरेट है, अगर ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर इनको अगर आप देखो, इनको अगर आप अच्छे से सर्च करो तो ये कॉरपोरेट टेक्नोलॉजी भी बेचते हैं, ये कॉरपोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर में भी है, और ये सब्जी भी बेचते हैं। तो A to Z ये लोग काम करते हैं। तो आज के डेट में अगर बिजनेस में ग्रोथ चाहिए तो आपको भी A to Z चीज़ें करनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि ये बिजनेस बड़ा है, ये बिजनेस छोटा है। भले आप चाय की दुकान चलाओ या टेलीकम्युनिकेशन की कोई कंपनी चलाओ या आप 5G 6G 9G में पहुंच जाओ या आप कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करो, जो भी बिजनेस है, बिजनेस को अगर बिजनेस के एंगल से देखेंगे, बिजनेस को अगर बिजनेस के एंगल से करेंगे तो इसमें 100% ग्रोथ है। आर्ट या मीडिया या इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जुड़ने का रीज़न ये है कि जब तक आप खुद मोटिवेट रहना चाहते हो या आप खुद कुछ करना चाहते हो तो आप खुद में कुछ ग्लैमर ज़रूर देखना चाहोगे। अगर सुबह उठ के अच्छे कपड़े डाल के अच्छे से सज धज के जाएंगे तो उस बंदे का कॉन्फिडेंस भी उतने से लेवल पे बढ़ जाता है। तो ये इंडस्ट्री आपको इसलिए आपके साथ रखनी चाहिए कि इसी के थ्रू आप खुद मोटिवेट रहोगे, आपके आजू बाजू में ग्लैमर रहेगा, आप लोगों को अपनी पहचान दे पाओगे, आप लोगों को आपकी आदतें दे पाओगे, आप लोगों को आपके स्टाइल या आपकी चीज़ें जो देख सकेंगे वो आप दे पाओगे। तो ये इंडस्ट्री खुद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि खुद मोटिवेट रहे, क्योंकि हम बिजनेस में काम करने वाले लोगों, तो जब हम अभी जैसे कि हमारी शिखर पे चलने की बात चल रही है कि अगर हमें किसी मुकाम पे पहुंचना है, करना है, तो खुद का कॉन्फिडेंस, खुद मोटिवेट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री खुद को मोटिवेट रखती है, इसलिए मैं इस इंडस्ट्री में हूँ। बहुत सारे मूवी को हमने फाइनल सपोर्ट भी किया है, बहुत सारे मूवी जो रीजनल मूवी है उसका भी हमने प्रोड्यूस किया है,
कुछ मूवी हमारी अपकमिंग है, आने वाले समय में कुछ सीरीज़ भी हम कर रहे हैं, कुछ टीवी सीरीज़ भी हम इसमें कर रहे हैं, बहुत सारे इवेंट में भी हमने पार्टिसिपेंट इसमें लिया हुआ है, बहुत सारे जो फिल्म फेस्टिवल्स चलते हैं या बहुत बड़े चीज़ें चलती है उसको हम एज अ स्पॉन्सर एज अ उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो ये इंडस्ट्री बिजनेस का भी तरीका है और इसमें बिजनेस भी बड़ा है और आपको खुद मोटिवेट रखेगा, ग्लैमर रखेगा। मेरा सिंपल सा सपना है कि मैं जब आंख बंद करता हूँ और मेरे सपने ये दिखता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि ऐसे एक बड़ा दरवाज़ा है और उस दरवाजे के सामने एक बड़ी चेयर है, उस चेयर के ऊपर मैं बैठा हूँ और उस दरवाजे में से मेरे सामने जितने भी लोग आ रहे हैं भले कोई भी चीज़ें लेके, उनको मैं मना ना कर पाऊँ, उनको मैं ना ना बोल पाऊँ, उनको मैं किसी भी चीज़ में यस बोल पाऊँ, बस यही सपना है और वही चेयर है। आज मैं बड़ा हूँ तो वो मेरे लिए नहीं बड़ा हूँ, मैं शायद जो मुझे फॉलो कर रहे हैं उनके लिए बड़ा बन गया हूँ, मुझे और बड़ा बनना है और मुझे उस शिखर पे जाना है जो मैंने सोचा है। सिंपल सी चीज़ है कि अगर आप लाइफ में पैराशूट में बैठ जाओगे तो पैराशूट आपको ऊपर से नीचे लाएगा, और ज़िंदगी में आपने पतंग से कुछ सीखा तो पतंग आपको नीचे से ऊपर लेके जाएगा। तो सिंपल सा फंडा है कि पतंग को लेके चलो तो पतंग तो नीचे से ही उड़ेगा, ग्राउंड से ही उड़ेगा, तो जब तक हम ग्राउंड पे रहेंगे अपनी दौर टिकी रहेगी।